यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। हाल ही में कुत्तों के हमले में एक गाय के बछड़े की मौत हो गई है। इस घटना के बहाने पालिका प्रशासन की अनदेखी के साथ ही अपने पशुओं को खुले में छोड़ने वाले लापरवाह पशु मालिकों का गोरख धंधा भी उजागर हो रहा है। दिग्रस नगर पालिका इमारत के पीछे रविवार की सुबह एक गाय का बछड़ा मृत अवस्था में पाया गया। मृत मवेशी के शरीर पर जख्मों को देखकर पता चलता है कि आवारा कुत्तों ने मवेशी पर हमला कर उसको फाड़ दिया। इस संबंध में नगर पालिका के सूत्रों ने बताया कि मृत गाय के बछड़े का शरीर फूला हुआ था, जिससे कयास लगाया जा सकता है कि मृत लावारिस पशु के अपचनीय हानिकारक चीज खाने से उसकी शारीरिक क्षमता खत्म हुई। ऐसे में इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए आवारा कुत्तों ने उस पर बोल दिया। इस बारे में पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी कैलाश कलोसे ने बताया कि मृत मवेशी को डंपिंग यार्ड में डाल दिया गया है। दिग्रस शहर में रात के समय सरकारी अस्पताल से लेकर पुराना पोस्ट ऑफिस और आर्नी नाका चौक परिसर, आर्नी बाईपास रोड सहित शहर के मुख्य चौक चौराहों पर आवारा कुत्तों का डेरा जमा रहता है। रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों और दुपहिया वाहन सवारों के पीछे दौड़कर उन्हें काटने तक की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है। हाल ही में घंटी बाबा परिसर में नदी से सटे इलाके में जानवरों के एक तबेले में घुसकर कुत्तों ने बकरियों पर हमला बोल दिया था। आए दिनों आवारा कुत्तों के हमलों से लोग खौफजदा है। ये सब जानते हुए भी पालिका प्रशासन आवारा कुत्तों से निपटने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार कर रहा है, ये बात समझ से परे है। इस संबंध में पूछे जाने पर पालिका के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही तहसील का स्वास्थ्य विभाग और पशु वैद्यकीय विभाग के समन्वय से आवारा कुत्तों की नसबंदी का टेंडर निकालने से लेकर उनके बंदोबस्त का इंतजाम किया जाएगा। गौरतलब है कि शहर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर आवारा मवेशियों का विचरण जारी रहता है। सड़कों के बीचों बीच दुकानों के सामने वो डेरा जमाए बैठे रहते हैं, जिससे राहगीरों, दुकानदारों और वाहन सवारों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। चौंकाने वाली बात यह है कि शहर भर में घूमने वाले सभी पशु लावारिस नहीं हैं, बल्कि मवेशियों के मालिक उन्हें जानबूझकर खुले में छोड़ देते हैं। समय समय पर वे इन पशुओं से दूध निकालते हैं या फिर उन्हें बेच भी देते हैं। लेकिन जब पालिका प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा इन कथित आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस या कोंडवाड़ा में बंद किया जाता है, तब इन मवेशियों के मालिक किसी न किसी पार्षद या राजनीति में सक्रिय व्यक्ति की मदद से कार्रवाई से बचने का प्रयास करते हैं। इसीलिए पालिका प्रशासन को चाहिए कि वे इस शिकायत को संज्ञान में लेकर सख्त कार्रवाई करें, ताकि शहर की सड़कों पर डेरा जमाने वाले आवारा मवेशियों की समस्या से शहरवासियों को निजात मिल सके। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।